तो गाइस वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोट्स, और नोट्स किसके? एल्काइल हैलाइड के, जो मैं क्या करूँगा आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करूँगा, और आपको कैसे वो प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं वो कैसे लगे आपको। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोबारा, ठीक है? ठीक है, हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड्स। और एल्काइल हैलाइड को हमने क्या करना है, आपको नोट करना है, इसके आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं, ठीक है? और नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करके आपको एक नोट्स बनाने हैं, ठीक है, अच्छे। और इसमें आपको मिलेंगे प्रिपरेशंस मिलेंगी, ठीक है? प्रिपरेशन किसकी, एल्काइल हैलाइड की। और किससे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे अल्कोहल, फिर फास्फोरस हैलाइड यूज़ करते हैं यहाँ पे, देखिए। और उसके बाद हमें देखना है इसमें क्या क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। हैलोजन एसिड से बना सकते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है? और मैकेनिज्म जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एसिड क्यों यूज़ करते हैं। और यहाँ पर रिएक्टिविटी दी है, ध्यान से देखिए। उसके बाद जो जिंक क्लोराइड हम यूज़ करते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, और हम जानते हैं मोस्ट फेमस टेस्ट आपने एल्काइल हैलाइड चैप्टर में पढ़ा होगा, कौन सा, ल्यूकास टेस्ट। इसमें हम अल्कोहल की रिएक्टिविटी देखते हैं और किसके साथ, हम ध्यान रखना है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट लिए हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है? और आपको याद रखना है कि इनको ग्रुप रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद थायोनाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे, ठीक है? थायोनाइल क्लोराइड आपको याद रखना है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डार्जन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। उसके बाद थायोनाइल क्लोराइड देख लीजिए, उसके बाद फंक्शन जो पिरिडिन का है वो आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे एल्कीन से प्रिपरेशन करते हैं, हम एल्कीन से प्रिपरेशन करेंगे, मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, मॉरकोनिक ऑफ और एंटी मॉरकोनिक ऑफ प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है आपको रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आपको एंटी परोक्साइड, ठीक है, सॉरी परोक्साइड इफेक्ट देखना है आपको, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, खाश इफेक्ट। उसके बाद फिंकलस्टन रिएक्शन, ठीक है? उसके बाद आपको याद रखना है स्वार्ट्स रिएक्शन, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या यूज़ करते हैं, HG2I2। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है? तो ये एक बार दोबारा देख लीजिए, फिंकलस्टन रिएक्शन क्या होती है, कौन सी है, और उसके बाद सोडियम आयोडाइड यूज़ करते हैं फिंकलस्टन में, और इसमें देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन देख लिया हमने। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करता है। और न्यूक्लियोफाइल हम जानते हैं दो तरीकों से अटैक कर सकता है, इसमें SN1 मैकेनिज्म देखेंगे और SN2 मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है? और SN1 और SN2 को हम कैसे पहचानेंगे वो हमें याद रखना है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? और इसमें क्या होगा, जो हैवी ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, कैसे, कौन से प्रोडक्ट बनाएगा, इनेंचियोवर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है? ये आपको पीडीएफ में क्लियरली दिखेगा, SN2 मैकेनिज्म आपको दिखेगा कि इस यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट कितना बनता है, और रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वाल्डन रिएक्शंस, ठीक है? वाल्डन अम्ब्रेला इफेक्ट क्या होता है, ठीक है? एप्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एमाइंस की रिप्लेसमेंट, एसिटाइल रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेटाइन, ठीक है? अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन देख रहे हैं हम, किसकी, केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप पॉज करके, साइनाइड और आइसोसाइनाइड की रिएक्शन, आइसोसाइनाइड और साइनाइड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी कैसी है। उसके बाद हम अल्फा बीटा रिएक्शन देखेंगे, रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? उसके बाद हम रिएक्शंस विद मेटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, रिएक्शन विद मेटल्स, यहाँ पे आपको याद रखना है क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है, रिडक्शन, रिडक्शन जो है ये आपको याद रखनी है, ये पूरा चैप्टर याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे हम एराइल हैलाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हैलाइड्स।